पतंजलि योगपीठ हरिद्वार द्वारा आयोजित दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस फरीदाबाद के हुड्डा ग्राउंड सेक्टर 12 में हरियाणा की धरती पर परम पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज के नेतृत्व में जो मनाया गया, उसमें 8 विश्व रिकॉर्ड बनाए गए। हम सभी योग प्रचारक अद्भुत हैं। अद्भुत वातावरण में आज परमात्मा चारों तरफ से हम सभी के ऊपर इंद्र भगवान बारिश की बूंदों के साथ आशीर्वाद देते हुए हम आज हरियाणा के इस पवित्र पार्क में बैठ करके योगाभ्यास करने की दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं परिचय देते हुए हमारे दाईं तरफ बैठे आदरणीय पिंटू कुमार जी, जो योग प्रचारक पतंजलि योगपीठ हरिद्वार, जो बिहार के अररिया जिला में सेवा दे रहे हैं, उनकी दाहिनी तरफ बैठे आदरणीय अजय कुमार जी, जो बिहार के बक्सर जिला में अपनी सेवा दे रहे हैं, उनकी दाहिनी तरफ बैठे आदरणीय शंकर आनंद जी, जो बिहार के किशनगंज जिले में अपनी सेवा दे रहे हैं, और हमारी बाईं तरफ बैठे आदरणीय गोपाल जी, जो बिहार के सहरसा जिला में अपनी सेवा दे रहे हैं। मैं डॉक्टर ब्रिजमोहन, योग प्रचारक पतंजलि योगपीठ हरिद्वार, बिहार के भोजपुर जिला में सेवा दे रहे हैं। हम सभी पांचों भाई बिहार के पतंजलि योगपीठ हरिद्वार द्वारा चलाए जा रहे योग प्रचारकों के अभियान का नेतृत्व करते हुए राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बना चुके, और हम सब भाइयों के अथक प्रयास और अखंड प्रचंड निष्ठा सेवा से आज हरियाणा की धरती पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस अपनी सफलता को प्राप्त हुआ। इसलिए हम सभी भाई आनंदित हैं, और इस आनंद और उत्साह के साथ हम नए तेवर नए कलेवर के साथ हम सभी अपने अपने जिले में कल प्रस्थान करेंगे, और नई चेतना के नई उमंग के साथ हम सभी योग सेवा में लग जाएंगे। तो आइए, आंखें बंद, मन शांत, परम पूज्य सद्गुरु गुरुवर स्वामी रामदेव जी महाराज के चरणों में छोटी सा नमन वंदन करते हुए उनकी सूक्ष्म उपस्थिति का आह्वान करते हैं। 3 बार लंबा गहरा सांसों के साथ ओम का उच्चारण। हम सभी दुनिया के सभी लोगों को एक बार पतंजलि योगपीठ हरिद्वार की ओर से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हुए प्राणायाम के अगले कार्यक्रम की दिशा में बढ़ते हैं। ओम ओम, धीरे धीरे घुमा लेंगे थोड़ा प्रकृति के नजारे की तरफ। अब हम सभी
परम पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज के द्वारा सभी प्रकार के मिश्रित तरीके से अलग अलग ऋषि मुनियों के संत महात्माओं के द्वारा वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा जो कुछ भी प्राप्त हुआ परम पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज ने सबको अपने अंदर समाहित करके और एक नई चेतना के साथ एक नए प्रभावशाली तरीके से योग को पूरी दुनिया को दिया है। अब हम योग प्राणायाम के अगले एपिसोड की तरफ बढ़ते हैं। ओम।